टेकआउट इलस्ट्रेशन नंबर 14 ए पेज नंबर 9.30 पेज नंबर 9.30 क्या कह रहा है फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ विशाल स्टोर ऑन 1st अप्रैल इलस्ट्रेशन नंबर 14 है पेज नंबर 9.30 लिखेंगे जर्नल एंट्री जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ विशाल स्टोर डेट पर्टिकुलर LF लेजर फोलियो अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट देखिए कह रहे हैं फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ विशाल स्टोर ऑन 1st अप्रैल 2020 असेट्स के बैलेंसेस दे रखे हैं कैश बैंक स्टॉक फर्नीचर डेटर टोटल डेटर 24,000 के हैं और इन डेटर्स की लिस्ट में क्या कौन कौन है एक्स वाई और जेड फिर लाइबिलिटीज में आपको बैंक लोन दे रखा है क्रेडिटर्स दे रखे हैं 12,500 के एंड क्रेडिटर्स इंक्लूड अजय एंड विजय तो ये जो बैलेंसेस आपको दे रखे हैं इसके अपन क्या करेंगे ओपनिंग एंट्री पास करेंगे ये लास्ट ईयर के आपके रिमेनिंग असेट एंड लाइबिलिटीज हैं तो इन लास्ट ईयर के जो रिमेनिंग असेट एंड लाइबिलिटीज हैं इनको नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में ट्रांसफर करने के लिए नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर की फर्स्ट डेट को अपन एक एंट्री पास करते हैं जिसको बोलते हैं ओपनिंग जर्नल एंट्री तो 2020 फर्स्ट अप्रैल जितने भी असेट्स हैं सबको डेबिट करेंगे तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट जितने भी असेट्स हैं सबको डेबिट करेंगे बिकॉज ऑल असेट्स आर हैविंग अ डेबिट बैलेंस तो कैश अकाउंट डेबिट कितना है 15,000 देन बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 उसके बाद स्टॉक अकाउंट डेबिट 40,000 देन फर्नीचर अकाउंट डेबिट फर्नीचर अकाउंट डेबिट 3,600 डेटर्स तो डेटर्स को बाय नेम आपको क्या करना है डेबिट करना है डेटर अकाउंट डेबिट नहीं होगा डेटर्स की वो जो लिस्ट है एक्स वाई जेड तो डेटर को इंडिविजुअल नेम से डेबिट करना है तो एक्स अकाउंट डेबिट कितना है 6,000 वाई अकाउंट डेबिट 8,000 जेड अकाउंट डेबिट 10,000 अब क्रेडिट करेंगे किसको जो लाइबिलिटीज है उन सबको क्रेडिट करेंगे तो ये तो हमारे सारे असेट्स थे तो सारे असेट्स को तो अपन ने डेबिट कर दिया अब जितनी भी लाइबिलिटीज है उनको क्रेडिट करेंगे तो लाइबिलिटीज में क्या है बैंक लोन एक तो आपका तो टू बैंक लोन अकाउंट
10,000, क्रेडिटर्स हैं 12,500 के, तो उसके अंदर अजय और विजय हैं, तो टू अजय अकाउंट टू अजय अकाउंट 5,000 एंड टू विजय अकाउंट 7,500 टू विजय अकाउंट 7,500 राइट। अब क्या बताया था ओपनिंग एंट्री में, जितनी भी असेट्स हैं उन सबको तो अपन ने डेबिट कर दिया, जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज हैं उनको अपन ने क्रेडिट कर दिया। अब अपन क्या करेंगे, अपन अपने असेट और लाइबिलिटीज का टोटल करेंगे, अपन अपने असेट और लाइबिलिटीज का क्या करेंगे, टोटल करेंगे। इफ टोटल ऑफ असेट इज मोर देन टोटल ऑफ लाइबिलिटी, अगर आपके असेट्स का टोटल ज्यादा हो लाइबिलिटीज का टोटल कम है, तो वो जो डिफरेंस अमाउंट होगा असेट एंड लाइबिलिटीज का इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल, इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल। तो यहां तो अपन को क्लियरली दिख रहा है, यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपके असेट्स तो हैं ज्यादा और लाइबिलिटीज हैं कम, असेट्स हैं ज्यादा और लाइबिलिटीज हैं कम, तो ये जो डिफरेंस होगा असेट और लाइबिलिटीज का वो आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल। तो यहां लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, ये असेट्स के टोटल में से लाइबिलिटीज का टोटल माइनस करेंगे तो ये डिफरेंस आ रहा है 65,100, तो ये डिफरेंस कहलाएगी आपकी कैपिटल। बताइए किसी को डाउट, समझ में आ गया किस तरीके से ओपनिंग एंट्री पास होती है? सर प्लीज रिपीट। अपन ने क्या करा, जितने भी हमारे असेट्स हैं उन सबको डेबिट करा, उसके बाद जो हमारे डेटर्स थे डेटर्स को अपन ने बाय नेम डेबिट करा, उसके बाद जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज थी उनको क्रेडिट किया, और लाइबिलिटीज के अंदर जो क्रेडिटर्स थे अपन ने उनको बाय नेम क्रेडिट किया, उसके बाद अपन अपने असेट और लाइबिलिटीज का टोटल करते हैं। तो इफ टोटल ऑफ असेट इज मोर देन टोटल ऑफ लाइबिलिटी देन डिफरेंस ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी इज ट्रीटेड एज कैपिटल। तो ये जो 65,100 है इट इज अ डिफरेंस ऑफ टोटल ऑफ असेट एंड टोटल ऑफ लाइबिलिटीज, तो ये जो डिफरेंस है ये आ रहा है 65,100, तो ये क्रेडिट होगा कैपिटल अकाउंट में। नाउ क्लियर? समझ में आ गया? यस सर। नाउ सेकेंड अप्रैल, सेकेंड अप्रैल इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रांजेक्शन डेटेड ऑन सेकेंड अप्रैल। क्या कह रहा है, बॉट गुड्स फ्रॉम कैलाश फॉर 20,000 एट 10% रेट डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%, पेड 60% अमाउंट इमीजिएटली। क्या कह रहा है, अपन ने कैलाश से गुड्स परचेस करें जिसकी लिस्ट प्राइस है 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो सबसे पहले इसमें से लेस करते हैं हमेशा क्या, ट्रेड डिस्काउंट, तो इसमें से लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट इज 10%, सो 10% ऑफ 10% ऑफ 20,000, 10% ऑफ 20,000 इज 2,000, यानी आपकी जो परचेज है, आपकी जो परचेज है वो कितनी कहलाएगी, 18,000। नाउ 2% का कैश डिस्काउंट भी है, लेकिन कैश डिस्काउंट हमें किस पे मिलता है, जो अमाउंट हम इमीडिएटली पे करते हैं, तो आउट ऑफ द परचेज ऑफ 18,000, आउट ऑफ द परचेज ऑफ 18,000 60% अमाउंट इज पेड इमीडिएटली, सो आउट ऑफ द परचेज ऑफ दिस 18,000 60% अमाउंट इज पेड इमीडिएटली, तो वो तो हमारी कैश परचेज हो गई, कौन सी परचेज हो गई, कैश परचेज, तो 60% ऑफ 18,000, तो 16% ऑफ 80,000 इज 10,800, 10,800, एंड जो रिमेनिंग 40% अमाउंट है, जो रिमेनिंग 40% है दैट अमाउंट इज नॉट पेड इमीडिएटली, तो जो रिमेनिंग 40% हम इमीडिएटली पे नहीं कर रहे तो वो हमारी क्या कहलाएगी, क्रेडिट परचेज। तो इट मींस
आवर क्रेडिट परचेज इज 7200। क्रेडिट परचेज हो गई हमारी कितनी 7200। अब ये जो 10,800 हम इमीडिएटली पे कर रहे हैं, इसी अमाउंट पे केवल हमें क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा। कितना परसेंट है कैश डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट है 2%। तो 10,800 का 2%, तो 10,800 इसका 2% कितना होता है, 216। यानी कितना अमाउंट पे करेंगे, 10,584। तो ये अमाउंट अपन पे करेंगे क्या, इमीडिएटली। यानी कितना कैश पे होगा, कैश पे होगा कितना, 10,584। समझ में आया? हमने 20,000 के लिस्ट प्राइस की गुड्स परचेज करें फ्रॉम कैलाश, उसने हमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो उसका 10% ऑफ 20,000 इज 2,000, इट मींस आवर परचेज इज 18,000। आउट ऑफ 18,000 60% अमाउंट इज पेड इमीडिएटली, तो इट इज आवर कैश परचेज। तो 60% ऑफ 18,000 इज 10,800, सो दिस 10,800 इज पेड इमीडिएटली। तो इसके ऊपर हमें क्या मिलेगा, 2% कैश डिस्काउंट। सो 2% ऑफ 10,800 इज 216, तो हाउ मच कैश वी पे, 10,584। नाउ रिमेनिंग 40% अमाउंट इज नॉट पेड इमीडिएटली, इट मींस दिस रिमेनिंग 40% ऑफ 18,000 दैट इज 7,200, 7,200 इज आवर क्रेडिट परचेज। ये हमारी क्या हो गई, क्रेडिट परचेज हो गई। बताइए इस वर्किंग नोट में किसी को भी डाउट हो, इज इट क्लियर? यस, ओके। नाउ अब इसकी एंट्री हमें पास करनी है फर्स्ट अकाउंट। सबसे पहले इसमें कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? यस, वेरी गुड। सबसे पहले इसमें अकाउंट इफेक्ट होगा आपका परचेज अकाउंट। सेकंड, परचेज अकाउंट हो गया, और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? यस, हम 10,584 का कैश पे कर रहे हैं, तो डेट्स वाई आपका कैश अकाउंट इफेक्ट होगा। और कैश अकाउंट हो गया, और कौन सा? यस, ये 216 का हमने डिस्काउंट रिसीव करा है, तो आपका डिस्काउंट रिसीव अकाउंट इफेक्ट होगा। कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? डिस्काउंट रिसीव अकाउंट इफेक्ट होगा। और भी कोई अकाउंट इफेक्ट होगा क्या? और भी कोई अकाउंट इफेक्ट होगा इसमें? यस, कैलाश। क्यों कैलाश? क्यों? क्योंकि हमने 7,200 के गुड्स कैलाश से क्रेडिट में परचेज करें, हमने 7,200 के गुड्स कैलाश से क्रेडिट में परचेज करें, डेट्स वाई आपका कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? कैलाश अकाउंट। दोबारा देख लीजिए, 18,000 की परचेज करी, डेट्स वाई परचेज अकाउंट इफेक्ट हुआ। हम 10,584 का कैश पे कर रहे हैं, डेट्स वाई आपका कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ। हमें 216 का कैश डिस्काउंट मिला, डेट्स वाई डिस्काउंट रिसीव अकाउंट इफेक्ट हुआ। और ये जो 7,200 है, इसकी हमने क्रेडिट परचेज करी है, तो जो क्रेडिट परचेज करी उसके लिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ? कैलाश अकाउंट इफेक्ट हुआ। यस, व्हाट इज द नेचर ऑफ परचेज अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ परचेज अकाउंट? वेरी गुड, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, एंड रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो दिस इज आवर एक्सपेंस, परचेज करेंगे एक्सपेंस होगा, तो रूल इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कैश अकाउंट, व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश अकाउंट? यस, कैश इज आवर एसेट, एंड ऑल असेट्स आर रियल अकाउंट इन नेचर, ऑल असेट्स आर रियल अकाउंट इन नेचर। तो रूल ऑफ रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में से कैश जा रहा है, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कितना कैश जा रहा है? 10,584। डिस्काउंट रिसीव, इट इज आवर इनकम, एंड ऑल इनकम्स आर नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, ऑल इनकम्स आर नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। तो रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, कितना है? 216।
राइट। नेक्स्ट कैलाश, व्हाट इज द नेचर ऑफ कैलाश अकाउंट? यस, इट इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर। इट इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर। रूल इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर कितना है? 7200। राइट। तो यहाँ पे होगी एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट कितनी परचेज करी? 18,000। टू कैश अकाउंट 10,584। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 216, एंड टू कैलाश अकाउंट, कितनी क्रेडिट परचेज है? 7200। एंड दिस ट्रांजेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। राइट। नाउ नेक्स्ट, एनी डाउट इन दिस ट्रांजेक्शन? इज इट क्लियर? सेकेंड अप्रैल, सेकेंड सॉरी फोर्थ अप्रैल सोल्ड गुड्स टू एक्स फॉर ₹9,000। इट इज अ कैश पर कैश सेल और क्रेडिट सेल? इट इज अ कैश और क्रेडिट सेल? यस, वेरी गुड, इट इज अ क्रेडिट सेल, बिकॉज जिसको हमने गुड्स सेल करे उसका नेम यहाँ पे मेंशन है, तो इट इज अ क्रेडिट सेल। तो यहाँ पे एक तो एक्स अकाउंट इफेक्ट होगा और एक आपका सेल्स अकाउंट इफेक्ट होगा, एक्स अकाउंट और सेल्स अकाउंट। व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्स अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्स अकाउंट? यस, इट इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर, एंड रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो एक्स रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर। सेल करेंगे इनकम होगी, सो नॉमिनल अकाउंट नेचर। तो रूल होगा डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहां पे हो जाएगी एंट्री 4 अप्रैल को एक्स अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, नाइन थाउजेंड। नरेशन आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, फिफ्थ अप्रैल रिसीव 14,800 फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। देखो जरा, एक्स एक तो हमारा लास्ट ईयर का ये डेटर था 6,000 रुपीज का। एक्स हमारा लास्ट ईयर का डेटर था, कितने का? 6,000 रुपीज का डेटर था लास्ट ईयर का, और अभी हमने उसको ये 9,000 की सेल और कर दी क्रेडिट में। तो 6,000 तो हमारे प्रीवियस ईयर के लेने एक्स से, है ना, और अभी 9,000 रुपीज अभी करंट ईयर के लेने क्रेडिट सेल के, तो टोटल एक्स से लेना कितना है? 15,000। लेकिन यहाँ ट्रांजेक्शन में क्या कह रहा है? रिसीव 14,800 फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट। एक्स से 14,800 रुपीज रिसीव कर फुल सेटलमेंट कर दिया। इट मीन्स हमने एक्स को 200 रुपीज का क्या दे दिया? हमने एक्स को 200 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया। दिस डिस्काउंट इज अ कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट? ये जो 200 रुपीज का डिस्काउंट दिया है एक्स को, इट इज अ कैश डिस्काउंट और ट्रेड? यस, वेरी गुड, इट इज अ कैश डिस्काउंट। कैश रिसीव करते समय ये डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इट इज, इट मीन्स इट इज अ कैश डिस्काउंट। वेरी गुड। यस, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? फर्स्ट वन, यस, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इफेक्ट होगा, और यस, कैश, कैश रिसीव हो रहा है, कैश अकाउंट इफेक्ट होगा, हमने डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इफेक्ट होगा, और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? कैश हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, और एक एक्स अकाउंट। वेरी गुड, एक कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा आपका? एक्स अकाउंट। यस, व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश अकाउंट?
What is the nature of cash account? Cash is a asset, so it is real account in nature. And rule of real account is debit what comes in, credit what goes out. तो business में cash आ रहा है, तो rule is debit what comes in. कितना cash आ रहा है? 14,800. Discount allowed. Discount allowed. What is the nature of discount allowed? Very good. It is our expense. Discount allowed is our expense. And all expense are nominal account in nature. The rule of nominal account is debit all expenses and losses, credit all income and gains. तो ये हो जाएगा आपका debit. Yes. What is the nature of X account? What is the nature of X account? Yes. Very good. It is a personal account in nature. Rule is debit the receiver, credit the giver. तो credit the giver. कितना है? कितना settlement हुआ? 15,000 का settlement हुआ. तो 5th April. एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 14,800, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200, टू एक्स अकाउंट 15,000. Right. देखो, ट्रांजेक्शन डेटेड ऑन 6th अप्रैल. कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, यस, एक तो आपका बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा, और सेकंड कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा आपका? कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट. What is the nature of bank account? What is the nature of bank account? Yes, it is a personal account in nature. And rule of personal account is debit the receiver, credit the giver. So debit the receiver. Bank receive कर रहा है, आप bank में cash deposit करवा रहे हैं, तो bank is the receiver of the cash. तो debit the receiver. Cash आपका asset है, so it is real account in nature. And rule of real account is debit what comes in, credit what goes out. तो business में से cash जा रहा है, तो rule कहता है credit what goes out. यहाँ पे entry हो जाएगी 6th अप्रैल को. Bank account debit 10,000. To cash account 10,000. Narration आ जाएगा being cash deposited into bank. Next 8th अप्रैल, check received from Y for ₹7,850 in full settlement of his account.
दिस चेक वॉज इमीजिएटली डिपॉजिट इन टू बैंक। तो वाई हमारा लास्ट ईयर का डेटर था, वाई हमारा लास्ट ईयर का डेटर था कितने का, 8,000 रुपीज का, कितने का, 8,000 रुपीज का डेटर था, 8,000 रुपीज लेने थे, लेकिन हमें वाई से कितना लेना था, हमें वाई से लेने थे कितने, 8,000 रुपीज, लेकिन 7,850 रुपीज का चेक रिसीव करके हमने फुल सेटलमेंट कर दिया, यानी हमने वाई को 150 रुपीज का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, और कितने रुपए का, 150 रुपीज का। तो 7,850 का चेक रिसीव हुआ एंड दिस चेक इज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो बताइए कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, सबसे पहले फर्स्ट वन, यस, एक तो आपका बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा, सेकेंड वन, यस, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इफेक्ट होगा, और एक आपका वाई अकाउंट इफेक्ट होगा। कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, वाई। व्हाट इज द नेचर ऑफ बैंक अकाउंट, व्हाट इज द नेचर ऑफ बैंक अकाउंट, यस, इट इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर। रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बैंक क्या कर रहा है, हमसे 7,850 का चेक रिसीव कर रहा है, तो रूल इज डेबिट द रिसीवर, तो डेट्स वाई बैंक अकाउंट डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउड, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्काउंट अलाउड, यस, वेरी गुड, इट इज आवर एक्सपेंस एंड ऑल एक्सपेंसेस आर नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, तो रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। वाई, व्हाट इज द नेचर ऑफ वाई अकाउंट, व्हाट इज द नेचर ऑफ वाई अकाउंट, यस, इट इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर, रूल इज डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, तो वाई दे रहा है यानी क्रेडिट द गिवर। क्या डेट है आपकी, 8th अप्रैल, बैंक अकाउंट डेबिट 7,850, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 150, टू वाई अकाउंट 8,000, टू वाई अकाउंट 8,000। नरेशन क्या आएगा, बींग चेक रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, इफ दिस चेक इज नॉट इमीजिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अगर ये चेक इमीजिएटली बैंक में डिपॉजिट नहीं होता तो ये जो भी एंट्री करी है इस पे क्या चेंज आता, इफ दिस चेक इज नॉट इमीजिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक, एक्सीलेंट, सुपर, क्या है, इस बैंक की जगह क्या हो जाता, चेक इन हैंड अकाउंट आ जाता, बैंक की जगह चेक इन हैंड अकाउंट क्या होता है, इफेक्ट होता, एंट्री होती चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, राइट।